अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज 13 अक्टूबर 2021 2021 तकरीबन पूरा एक साल बीत गया। 12 अक्टूबर 2020 को मैंने पहली वीडियो अनाउंस किया था जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लासिक टूर को रिप्रेजेंट करते हुए क्वारंटाइन के पैकेजेस को इंट्रोड्यूस किया था, और तब से लेकर आज एक साल और एक दिन होना आया है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वारंटाइन के काम को अलग अलग डेस्टिनेशन से वजूद दिया है। अगर आप चाहो तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर देख सकते हो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो जो हमने लॉन्च की जब हमने क्वारंटाइन पैकेज को अनाउंस किया। ये तारीफ इसलिए है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ और आप लोगों का कोऑपरेशन और हमारे ये चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह जो आज तक हमें सपोर्ट किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, पूरी उम्मीद है ये उनके साथ और अल्लाह के फजल से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि काम तो चलता आ रहा है, उम्मीद है, बहुत ही अच्छी उम्मीद है और दुआ है इंशाल्लाह कि डायरेक्ट फ्लाइट जल्द से जल्द खुल जाए। खैर, मैं आप लोगों को आज कुछ बातें बताने आया हूँ। बहुत सारे लोग अब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में हैं क्योंकि एक नया कानून आया है सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। जो लोग इकामा होल्डर्स है वो लोग जब सऊदी से फर्स्ट डोज लेकर इंडिया आए थे तो उनका तवक्कला इम्यून बाय फर्स्ट डोज होता था, वो लोग हमारे पैकेजेस में बुक करके दुबई एयरपोर्ट से जा सकते थे। बट नाउ अभी कुछ चेंज आया है। वो चेंज ये है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया था उनका जो फर्स्ट डोज का तवक्कलना पर स्टेटस है उसकी लिमिट 180 दिन की थी, 180 डेज, 6 महीना। अब सऊदी गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस चेंज की लिमिट को, नंबर ऑफ पीरियड को 180 दिन से 90 दिन, 90 डेज कर दिया। यानी तकरीबन 90 दिन यानी 3 महीने होते हैं, 3 महीने की लिमिट कर दी है। यानी अगर आप सऊदी से 3 महीने पहले आए हो, यानी आज 12 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर है, तो आप अक्टूबर से 3 महीने पहले अगर आप आए हो एक डोज लेकर, तो अभी आगे पैकेजेस तक यानी नवंबर में अगर आप बुकिंग करोगे और सऊदी एंटर करोगे तब तक आपका अगर फर्स्ट डोज है तो इम्यून रहेगा, वरना आपका वो जो इम्यून बाय फर्स्ट डोज है वो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन आ जाएगा। मैं दिए गई वीडियो में आपको यहाँ पर एक इमेज बताता हूँ जिसमें इम्यून बाय फर्स्ट डोज जिनका था वो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो गया है, क्योंकि जो लोग 6 महीने पहले आए थे उनका तो 180 दिन के पीरियड में इम्यून बाय फर्स्ट डोज था, मगर अब ये रूल की चेंज की वजह से, अचानक जो ये चेंज आया है तवक्कलना पर, इसकी वजह से अब वो लोगों का इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो गया है। मैं आपको क्लियरली बहुत स्लोली समझा रहा हूं, जो लोग 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 4 महीने पहले आए हैं उनका इम्यून बाय फर्स्ट डोज था, अब उनका इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो गया है। वजह कि उन्होंने 180 दिन का पीरियड 90 दिन कर दिया है। उन लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी कि अब आपका तवक्कलना और आपका जो इम्यून स्टेटस है वो कोई काम का नहीं रहा है। तो अगर आपने सऊदी में एक डोज लिए है और इंडिया में दूसरा डोज लिया है और दूसरा डोज फाइनल है, अगर एस्ट्राजेनेका सऊदी में लिए है और इंडिया में कोविशील्ड लिए है, अगर कोविशील्ड फाइनल डोज है, तो आप लोग अपने दोनों डोज को ई सर्विसेज पर अपलोड करके अपने तवक्कलना को और अपने स्टेटस को इम्यून करवा लो। मैं फिर से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिन्होंने 2 डोज ले ली है, इकामा होल्डर्स जो रेसिडेंट्स है, जिनके पास इकामा है, जो री एंट्री छुट्टी पर आए हैं, चाहे वो फैमिली वाले हो चाहे वो नए वीजा वाले हो, फैमिली यानी लेडीज या बच्चे अगर इकामा होल्डर हो, नए वीजा वाले और फैमिली वीजा वाले, उनको तवक्कलना की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ मुकीम पर अपने सऊदी एंटर करने से 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है मुकीम पर, जिसको कुद्दूम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो हम करेंगे आपके लिए अगर आप हमसे पैकेज बुक करोगे। तो इम्यून बाय फर्स्ट डोज वाला जो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको शॉर्ट में यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका इम्यून बाय फर्स्ट डोज था और अभी इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है तो उसको आप चेंज करके, क्योंकि अब वो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो गया है, अब ई सर्विसेज पर दोनों सर्टिफिकेट्स अपलोड करिए। अगर अपलोड करने के बाद ईमेल अप्रूवल आता है तो आप एलिजिबल हो सऊदी 5 दिन क्वारंटाइन छोड़ने के, यानी आपको सऊदी 5 दिन क्वारंटाइन नहीं लेना होगा। जब आप क्वारंटाइन 15 दिन दुबई हो या नेपाल हो वहां से जाकर या कोई भी थर्ड कंट्री से जाकर आप एंटर करोगे सऊदी, तो आपको 5 दिन सऊदी क्वारंटाइन नहीं लगेगा, बशर्त कंडीशन कि आपका स्टेटस इम्यून हो। अब इम्यून कुछ लोगों का तवक्कलना ओपन नहीं होता है, मगर ईमेल पे अप्रूवल आ जाता है, तो वो लोग भी हमारे पैकेज में अवेल कर सकते हैं।
मगर अगर वो दुबई से जाएंगे और बाय बस जाएंगे तो उनको हमारी एक फॉर्मूला वाली बुकिंग है उन पे उनको बुक करना होगा। या तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप फ्लाइट से जाओ, यानी इंडिया से दुबई आप जब जाओगे तो दुबई से सऊदी आप बाय फ्लाइट जाओ, और बेस्ट है कि आप फ्लाइट से ही जाओ। फिर भी अगर आपका बजट कम है और आपको बाय बस जाना है तो आप जब हमें कॉल करोगे आप हमसे कहोगे कि हम इम्यून तो है, याद रहे ये स्टेटमेंट कि आप जब कॉल करोगे आप कहोगे हम इम्यून तो है, ईमेल पे अप्रूवल आ गया है, मगर तवक्कल ना हमारा नहीं ओपन हो रहा है, तो हमको आपकी फॉर्मूला वाली बुकिंग में जाना है तो हम आपको उसके प्राइसेस बताएंगे। खैर ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारे लोग ये सब चीजों को लेकर सवाल जवाब करते हैं, और अब ये नया अपडेट आया है तो हम ये काम से बहुत ही पुराने जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही वक्त से जुड़े हुए, तो हमें पता है कि अब ये क्या फ्लक्चुएशंस है और क्या कंडीशंस रोज चेंज होती है। इसके अलावा जो हमारे पैकेजेस है दुबई का, हमारा मोस्ट रनिंग पैकेज जो है, जो इकोनॉमी पैकेज है, जो बजट पैकेज है, जिसमें बहुत सारे लोग अभी बुकिंग करवाते हैं, वो है स्टार्टिंग बजट पैकेज 75,000 का। ये पैकेज में हम आपको दुबई की वीजा, इंडिया से दुबई की बॉम्बे और दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट देंगे, 15 दिन दुबई का स्टे होगा, जब आप दुबई उतरोगे तो आपका पिकअप होगा और अपार्टमेंट में ड्रॉप होगा। ये पैकेज अपार्टमेंट का है जिसमें 6 से 8 लोग एक कमरे में रहेंगे, टोटल 20 से 25 लोगों के बीच में 2 शेयरिंग बाथरूम रहेगा। ये एकदम स्टैंडर्ड सर्विस है, नथिंग इज हाई फाई, सिर्फ उनके लिए जिनका बजट कम है, उन्हें सऊदी पहुंचने से मतलब है। इस पैकेज में इंडिया से दुबई फ्लाइट है, दुबई से सऊदी बाय बस है। ये 75,000 का जो पैकेज है, 75,000 का ये पैकेज उनके लिए है जो क्लियर कट केस है। क्लियर कट केस कौन है? जिनका इम्यून भी है और जिनका तवक्कलना भी चल रहा है। रही बात नए वीजा वाले, वो भी बस से इस पैकेज में जा सकते हैं, मगर उनका कॉस्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। और वो लोग जो इम्यून तो है मगर तवक्कलना नहीं ओपन हो रहा है, वो भी बाय बस जा सकते हैं, उनका भी कॉस्ट डिफरेंट होगा। और मैं सजेस्ट करूंगा, फिर से आप लोगों को बताना चाहूं कि आप लोग बाय फ्लाइट ही जाओ दुबई से। इसके अलावा नेपाल का आपने हमारा रिव्यू देखा, हमने पैकेज लॉन्च किया, लोगों में डर था, जो अनाउंस करते हैं, जो बताते हैं वो करके दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी रिव्यूज भी हमने आपसे शेयर की है, 1 नहीं 10, और अनेक लोगों ने हमारी रिव्यूज सबको बताया है कि आज वो नेपाल में बैठे हैं। तो जो तारीख, जो डेस्टिनेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज अनाउंस करते हैं वो करके आपके सामने लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये जो हमारा दुबई का कॉन्सेप्ट चल रहा है ये 30 अक्टूबर तक है, तो जिनको भी जाना है अपार्टमेंट का पैकेज है, और इसके अलावा जिनको होटल जाना है दुबई में और होटल के साथ आगे 15 दिन बाद फ्लाइट चाहिए, या होटल रहकर 15 दिन बाद बस चाहिए, अलग अलग पैकेज आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, दिए गए नंबर आप कॉल कर सकते हैं। 2 तरीके हैं बुकिंग के, एक है जो आप हमारी ऑफिस पर विजिट करो, नीचे एड्रेस दिया गया डिस्क्रिप्शन पर, सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन पर सवाल करते हैं और बहुत सारी चीजें उनको समझ में नहीं आती है, तो जिनको बुकिंग करना है, जो इंटरेस्टेड है, वो हमारी ऑफिस पर वॉक इन आ सकते हैं, ऑफिस पर हमारी मुंबई में विजिट करके आप पासपोर्ट देकर, अपने डॉक्यूमेंट्स देकर आप बुकिंग करवा सकते हैं। जिनको ऑनलाइन बुकिंग करनी है, जो दूसरा मेथड है बुकिंग का, उनको तकरीबन 40,000 से 50,000 एडवांस देना होगा बैंक ट्रांसफर से। उनकी बुकिंग कैसे होगी? जब हमें कॉल करेंगे, हम उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वो अपना नाम, अपना लोकेशन, अपना स्टेटस बताएंगे। स्टेटस ये बताएंगे कि हम इम्यून है या नहीं इम्यून है। अगर आप नॉन इम्यून हो, अगर आपने 2 डोज ले लिए हो और आपको ये नहीं पता कि मैं अपने आप को इम्यून किस तरह करवाऊं, मैं कैसे इम्यून हो जाऊं, तो आपका इम्यून हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम आपके लिए इम्यून करेंगे, मगर कंडीशन ये रहेगी कि आप बुकिंग जो पैकेज हमारे से करेंगे उसका एडवांस हमें दोगे, तब हम आपके लिए इम्यून करके देंगे इंशाल्लाह। 2 से 3 दिन में हम इम्यून भी कर देते हैं, और उन्हीं के लिए इम्यून का प्रोसेस होगा जो हमारे साथ बुकिंग करेंगे पैकेजेस की। तो जिनको भी बुकिंग करना है, अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, पासपोर्ट साइज फोटो, अपना पॉसिबल है तो पैन कार्ड, अपना इकामा या री एंट्री कॉपी या नया वीजा है, और 2 डोज के सर्टिफिकेट। अब जिनको इम्यून करना है वो ये याद रहे कि कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड हो, कोविशील्ड हो या मॉडर्ना हो या फाइजर हो, हालांकि अभी तो सिर्फ कोविशील्ड ही है, मगर 2 डोज अगर सऊदी में 1 डोज ली है और दूसरा डोज इंडिया में लिए है, या 2 डोज इंडिया में लिए है, 2 डोजों के बीच में 28 दिन से ज्यादा गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 अक्टूबर को आपने पहला डोज लिए तो आपका दूसरा डोज 29 अक्टूबर का होगा। वजह कि जब आप ई सर्विसेज पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो 28 दिन का जो गैप है उसके अंदर
अपलोड सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है कि दोनों डोज के बीच में 29 दिन का गैप होना चाहिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट खुद ही चेक कर ले। पहले तो आपकी पासपोर्ट कम से कम 6 महीना वैलिड होना चाहिए, और दूसरा आपके दोनों डोज के बीच में 29 दिन से ज्यादा गैप होना चाहिए, और दूसरा डोज आपका फाइनल होना चाहिए, और आपकी री एंट्री या इकामा या जो भी वीजा है वो वैलिड होना चाहिए। हम नए लोगों को काम पर नहीं भेजते, हम उनको ही भेजते हैं जिनको सऊदी लौटना है, जो पैंडेमिक एक सिचुएशन में आकर फंस चुके हैं। हम उनको वापस रिटर्न करते हैं क्वारंटाइन करवाकर। आज भी हमारे पास दुबई और नेपाल के पैकेजेस हैं। सारी चीजें हमने हर वीडियो में बता चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको उन लोगों की वीडियोस बताएंगे जो दुबई से सऊदी पहुंच गए हैं, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि यहां से तो हमने लोगों को भेज दिए मगर वो सऊदी एंटर कर रहे हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू हम आपको देंगे, और बहुत सारी फैमिलीज है जो हमारे पास बुकिंग करवाए हैं, उनकी भी वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत में और जो फॉलोज करते हुए हमें और सपोर्ट करते हुए रिव्यूज देते हैं, जो हम आपके सामने शेयर नहीं करते, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी इश्यूज होती है। काम बहुत है, लोग बहुत जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वीडियोस हम उन्हीं की डालते हैं जो हमें खुद से देते हैं और खुद से चाहते हैं कि अब हम उनकी वीडियोस अपलोड करें। तो ये सारी चीजें हैं, जिनको भी बुकिंग करवानी है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप हमारी ऑफिस पे विजिट करें, और ऑफिस पे विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए और अपनी बुकिंग करवाए, और आपकी तसल्ली भी हो जाएगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कुछ भी डाउट है, आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालिए। 24 घंटे में इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई उन्हीं को आएगा जिन्होंने पूरी वीडियो को देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को आधा देखकर वही सवाल करते हैं जिसका जवाब हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उन लोगों को पहुंचाइए, उन लोगों को बताइए कि ये वो वीडियो है जो एक साल पहले आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल तक ये काम हुआ है, होता आ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेस है। तो आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।